हमास की संसद पर इजराइल का कब्जा। अगर अभी भी अरब देश जंग में हमास का साथ सही तरीके से दे तो हमास इजराइल को गाजा पट्टी में कड़ी टक्कर दे सकता है। एक महीने से ज्यादा की सीधी जंग में इजराइल के 46 से ज्यादा सैनिक और अफसरों को हमास के लड़ाके मार चुके हैं, लेकिन अब हमास के लड़ाकों को इजरायली सेना बुरी तरह से मार रही है। तस्वीरों के जरिए इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के संसद पर कब्जा कर लिया है, जिसमें कभी हमास के चीफ इस्माइल हानिया समेत टॉप के हमास नेता बैठा करते थे। हम आपको इस खबर की पूरी डिटेल आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इस वक्त अल शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सेना का ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। मार दिए हमास के 8,000 लड़ाके। इसराइल ने दावा किया है कि उसने अब तक हमास के 8,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार डाला है, जबकि उत्तरी गाजा में तबाह इमारतों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है। दावा तो यहां तक किया गया है कि गाजा पट्टी में 1,00,000 इमारतें इसराइल की आईडीएफ के टारगेट पर हैं। आईडीएफ के ऑपरेशन की ताजा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को कितनी बुरी तरह से रौंद डाला है। कब्रिस्तान जैसा दिख रहा है उत्तरी गाजा, इजरायल के भीषण हमलों की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि इजरायल क्यों डंके की चोट पर हमास की हार और इजरायल की जीत का ऐलान कर रहा है। हमास की संसद 7 अक्टूबर से पहले। हमास की संसद के इस पहली तस्वीर को गौर से देख लीजिए। हमास की संसद में हमास के टॉप के नेता और समर्थक बैठे हुए हैं। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि हमास के इस संसद में हमास के राजनीतिक विंग के चीफ इस्माइल हानिया टॉप नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। हमास की संसद में इजरायली सेना। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। हमास की संसद में जिस तरह हमास चीफ इस्माइल हानिया बैठता था, उस जगह पर इजरायली सेना के कमांडर और सैनिक मौजूद हैं। इजरायली झंडे के साथ हमास की संसद में इजरायली सेना जीत का जश्न मना रही है। इस तस्वीर के जरिए इजरायली सेना दुनिया को दिखा रही है कि गाजा में इजरायली सेना जीत गई है। इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देखने से साफ संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं हमास का कंट्रोल गाजा में कमजोर पड़ रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने 13 नवंबर 2023 को एक ऐतिहासिक तस्वीर पोस्ट की है। इस फोटो में गाजा में हमास संसद भवन के अंदर इजरायल का झंडा दिखाया गया है। फोटो में सैनिकों की टीम को हमास के संसद भवन में गर्व से इजरायली झंडे लहराते हुए देखा जा सकता है। האכזרית של החמאס. הרמטכ"ל וראש השב"כ נפגשו עם אורי ומשפחתה במפגש מרגש מאוד. החזרנו את אורי הביתה. חמאס מפעיל טרור פסיכולוגי נגדנו. הוא רוצה שנפיץ אותו, הוא רוצה להכאיב לנו. דווקא בגלל זה... ערב דשו כגדרי, הר רה חמאס. 27 देशों से बनी अरब लीग और 57 देशों से बना मुस्लिम मुल्कों का संगठन OIC जंग में हमास का साथ देने के दावे तो खूब किए, लेकिन ईरान और लेबनान को छोड़कर कोई भी मुस्लिम मुल्क हमास को सीधी मदद देने को तैयार नहीं हुआ। इधर दूसरी तरफ हमास के 45,000 लड़ाकों पर इजरायली सेना यमराज बनकर टूट पड़ी है। अकेले हमास के ही 65 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि हिजबुल्ला के भी 80 के करीब लड़ाके लेबनान से लगती इजरायली सीमा पर मारे गए हैं। हमास की भयानक हार और गाजा की भीषण तबाही के लिए बहुत हद तक अरब देश जिम्मेदार हैं। अरबी मीडिया के अल अरबी अल जदीद की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास का साथ देने में 57 देशों से बना मुस्लिम मुल्कों का संगठन OIC बुरी तरह से फेल हुआ है। हैरानी की बात यह है कि गाजा में इजरायल के भीषण हमलों पर अरब देश मिलकर भी कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाए हैं।
अरब मीडिया का दावा है कि जिन मुद्दों पर मतभेद थे उनमें इजराइल को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई के लिए अरब देशों में अमेरिका और बाकी सैन्य अड्डों के उपयोग पर रोक लगाना शामिल है। साथ ही इजराइल के साथ अरब राजनयिक, आर्थिक, सुरक्षा और सैन्य संबंधों पर रोक लगाना और दबाव बनाना भी शामिल था। लेकिन एक भी मुद्दे पर OIC सख्त फैसला नहीं ले पाई। यहाँ तक कि इजरायली कब्जे का विरोध करने वाले संयुक्त बयान में शामिल होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। इजराइल का गाजा पर कब्जे का विरोध करने पर जब वोटिंग हुई तो फिलिस्तीन, सीरिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इराक, लेबनान, कुवैत, कतर, ओमान, लीबिया और यमन सहित 22 सदस्यीय निकाय के 11 अरब देशों ने या तो प्रस्ताव दिया या फिर उनका समर्थन किया, लेकिन 4 मुस्लिम देशों ने इसके विरोध में मतदान किया, जबकि कई अरब देश वोटिंग के वक्त अनुपस्थित रहे, जिनका खुलासा नहीं किया गया है। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने इजरायली हमलों के खिलाफ वैसा सख्त एक्शन नहीं लिया है जैसी उम्मीद की गई थी। هي ليست قنبلة نار تستهدفون هي تشبه القذيفة هذه مقذوفة تطلق من الطيران الحربي الصهيوني على الناس الآمنين داخل بيوتهم في منطقة بخيم الشاطئ. عرب देशों की गद्दारी, हार रहा हमास। इधर हारता हमास अभी भी इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहा है। हमास के दावों के मुताबिक 160 से ज्यादा इजरायली ठिकानों को हमास तबाह कर चुका है। इन हमलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इजरायली सेना, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और बिन शेख हमास की ताकत और वॉर प्लान को समझने में बुरी तरह से फेल हुए हैं। 27 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के इजरायली हमले में दावा किया जा रहा था कि इजरायली सेना एक हफ्ते के अंदर उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों का सफाया कर देगी, लेकिन अभी तक इजरायली सेना सिर्फ 600 के करीब सुरंगों को तबाह कर पाई है। इधर हमास ने फिर दावा किया है कि उसके लड़ाके इजरायली सेना को उत्तरी गाजा में हरा देंगे। आखिर हमास इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है? कुछ खबरों में यहां तक दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना की वर्दी पहनकर हमले कर रहे हैं। मार दिए हमास के 8,000 लड़ाके। इजरायल ने दावा किया कि हमास ने गाजा में कंट्रोल खो दिया है। रक्षा मंत्री यो गैलेंट का दावा है कि हमास के लड़ाके साउथ गाजा की ओर भाग रहे हैं। इस बीच गाजा के ज्यादातर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में हालात बदतर होते जा रहे हैं। अल शिफा हॉस्पिटल के आसपास भीषण जंग चल रही है। कुछ हॉस्पिटल और मस्जिदों के बेसमेंट और सुरंगों में हमास के ऐसे ऐसे हथियार और वॉर प्लान मिले हैं जिसे देखकर इजरायली सेना हैरान रह गई। हमास इज यूजिंग हॉस्पिटल्स लाइक वी शोड द एविडेंस इन शिफा हॉस्पिटल, इन अदर हॉस्पिटल, वी आर नाउ सीइंग इट इन लाइव इन रंटीसी हॉस्पिटल, ए ऑपरेशन स्टिल कंडक्टिंग राइट नाउ, लुक एट व्हाट हमास इज होल्डिंग इनसाइड द हॉस्पिटल। गाजा में जारी इजरायली कार्रवाई से भीषण तबाही और बर्बादी हो रही है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने दावा किया कि 179 शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया। इनमें आईसीयू में मरने वाले शिशुओं और दूसरे तरह के रोगियों के शव भी शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि पूरे परिसर में शव बिखरे हुए थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 36 हेल्थ फैसिलिटीज, जिसमें 22 हॉस्पिटल शामिल हैं, कुछ जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। बड़े हॉस्पिटल अल शिफा, अल नासिर हॉस्पिटल, रंतीसी हॉस्पिटल, अल कुद्स हॉस्पिटल, अल अहली हॉस्पिटल में पावर सप्लाई नहीं होने से मरीजों के इलाज में दिक्कत हो रही है। इजरायली सेना इन हॉस्पिटल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर्स को निशाना बना रही है। सेना का दावा है कि हमास ने बच्चों के रंतीसी अस्पताल के नीचे अपने कमांड सेंटर में ही इजरायली बंदूकों को कैद कर रखा था। सेना ने जब इस हॉस्पिटल पर कब्जा कर सर्च ऑपरेशन चलाया तो यहां की सुरंग में कुर्सी, रस्सी, हथियार, मोटरसाइकिल, गार्ड्स के लिए ड्यूटी चार्ट जैसे कई सामान बरामद हुए। इसके अलावा यहां मेक शिफ्ट टॉयलेट, किचन और वेंटिलेशन पाइप भी मौजूद थे। सेना ने बताया कि हमास की सुरंगों के दरवाजे बुलेट प्रूफ हैं और ये सुरंग अस्पताल के नीचे मौजूद हैं। मार दिए हमास के 8,000 लड़ाके।
हमास की अल कसम ब्रिगेड के ये लड़ाके आरपीजी थर्मोबैरिक ग्रेनेड रॉकेट से इजरायली सेना पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं। इजरायली टैंकों पर महज 100 से 150 मीटर दूरी से एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हमास की अल कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हथियारों से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। अरब देशों की गद्दारी, हार रहा हमास। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने दावा किया है कि इजरायली सेना के लिए गाजा युद्ध विनाशकारी साबित होने जा रहा है। हिजबुल्ला के 65,000 से ज्यादा लड़ाके हमास के 45,000 लड़ाकों के साथ इजरायली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी माना है कि हिजबुल्ला के रॉकेट और मिसाइल ताकत इजरायल के लिए विनाशकारी साबित होगी। हालांकि इजरायली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उत्तरी गाजा में 10 घंटे की भीषण जंग में पिछले 24 घंटे के अंदर हमास के बहुत बड़े गढ़ पर कब्जा कर लिया है, मार दिए हमास के 8,000 लड़ाके। कुल मिलाकर इजरायल हमास को बुरी तरह से रौंद रहा है और हमास अब गाजा में अपनी मौत का तमाशा देखने को मजबूर हो गया है।